एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग या जो भी प्रिवेंशन हमें लेनी चाहिए, जिसको नॉलेज है उसकी सुपरविजन में ही वो काम होना चाहिए। उसके बाद डिट्रोटेड और पार्शली डैमेज एक्सप्लोसिव नेवर यूज, जो खराब हो चुका है जो आपका एक्सप्लोसिव, या फिर क्या है मतलब थोड़ा बहुत खराब है तो वैसे वाला जो एक्सप्लोसिव है यूज नहीं करना चाहिए साइड पे। दे शुड बी डिफ्यूज एंड स्टोर सेपरेटली, उसको या तो हमें खत्म करना चाहिए, उसको खराब हो गया तो फेंक देना चाहिए, और या फिर क्या हो उसको अलग से स्टोर करना चाहिए। अब उसके बाद ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे करके उसको डालेंगे नीचे की साइड, जो हमें मटीरियल है वो डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सैंड भर देंगे, यहाँ पे मिट्टी भरते हैं, उसको स्टैमिंग अर्थ बोलते हैं। और ये स्टैमिंग अर्थ की हाइट है इतनी रखनी चाहिए, और ये डेटोनेटर लगा हुआ है जिसके साथ हम लोग ये नीचे जो भरा है हमने एक्सप्लोसिव, उसको प्रेशर के साथ उसमें इंड्यूस मतलब हम वो जलाएंगे, ठीक है। द होल आर शुड ड्रिल अप टू फुल डेप्थ ऑफ द प्लेसिंग एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर, जितनी होल की डेप्थ हमें चाहिए है उतनी हमें एक्सप्लोसिव डाल के डेटोनेटर उसमें लगाना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड इनर्ट मटीरियल, कोई भी मटीरियल उसके एक्स्ट्रा मटीरियल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह या फिर कोई भी इनर्ट मतलब एक्स्ट्रा मटीरियल, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सॉयल स्ट्रेटा शुड बी केयरफुली एग्जामिन, मतलब कैसे वाला आपका टाइप है, कई होती है सॉफ्ट रॉक होती है, कई होती है हार्ड होती है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। दिस शुड बी सम टाइम टू प्रेजेंस ऑफ फोल्ड फॉल्ट एंड फीचर्स ऑफ द रॉक, कई बार कहते हैं उसके अंदर फॉल्ट होता है, जितना हम लोग उसको तोड़ना चाह रहे हैं उसके अलावा क्या होता है कि वो ज्यादा टूट जाता है तो और लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, तो हमें उससे पहले एग्जामिन करना चाहिए कि वो रॉक जिसको हम तोड़ रहे हैं वो किस टाइप की है। ऐसे तो नहीं कि वो मुड़ी हुई या फोल्ड हो रखी है या उसके अंदर कोई फॉल्ट है कि हम उसको तोड़ेंगे तो वो जिस हिसाब से हम तोड़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से ना टूट के अलग ही तरह से टूट जाए, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद जो हमने नीचे डाला है उसके कार्ट्रेज बोल रहा है ये, और एक्सप्लोसिव डाला है बोर होल, नो थ्रस्ट और फोर्स शुड बी अप्लाइड, अंदर हमने डाल दिया है इसको, ये इसके अंदर ये एक्सप्लोसिव डाला है तो ऊपर से ऐसे नहीं कि प्रेशर लगा के डालना है, ऐसे आराम से उसके अंदर रखना है जो उसका प्रोसेस है। अगर ऊपर से फोर्स लगाओगे तो उस टाइम भी वो ब्लास्ट हो सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब आप बोर होल जो आपने किया है, नो थ्रस्ट एंड फोर्स शुड बी अप्लाइड। और जो बचा हुआ एक्सप्लोसिव है उसको भी साइट के नियर हमें स्टोर नहीं करना है, जितना हमें चाहिए जितना हमने हॉल में डाला था डाल दिया, उसके अलावा जो दूसरा है उसको दूर कहीं स्टोर करें, ऐसा ना हो कि जहां पे ब्लास्ट हो रहा है उसके साथ जो दूसरे वाला है वो भी ब्लास्ट हो जाए। उसके बाद ब्लास्टिंग फ्यूज एंड डेटोनेटर शुड बी कनेक्टेड टू कार्ट्रेज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इशू बाय द मैन्युफैक्चरर, जिसने बनाया है उसको वो उसको बताएगा कि इसको किस तरीके से जलाना है, किस तरीके से ये मतलब डिफ्यूज करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उसने बोला है उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यही डेप्थ ऑफ स्टीमिंग शुड बी सफिशियंट एंड जनरली विद द लाइक सैंड एंड क्ले, जो ये यहाँ पे मैंने बताया था कि नीचे आपने एक्सप्लोसिव भर रखा है, ऊपर की साइड यहाँ पे सैंड भरी जाएगी, तो कोई भी मिट्टी आप क्या है जैसे सैंड है या क्ले है, इसमें से कोई भी मिट्टी आप ऊपर डाल सकते हो। और फॉर द टैम्पिंग स्टैमिंग मटीरियल ओनली वुडन टूल्स शुड बी यूज्ड, जब आप मिट्टी डाल रहे हो तो उसको अगर आप दबाना चाह रहे हो हल्का तो उसके लिए वुडन टूल्स ही यूज होना चाहिए, दूसरे वाला कोई मतलब ऐसे वाली चीज यूज नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है वो आग पकड़ ले और आग से वो पहले ही डैमेज हो जाए, उसको हम जैसे करना चाह रहे वैसे ना हो। उसके बाद स्पेसिंग डेप्थ एंड साइज ऑफ होल शुड बी वेल प्लांड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो स्पेस रखना है जो डेप्थ रखनी है साइज हॉल, अब वही है कि जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम लोग उसको रखेंगे। फॉर फेयरिंग हॉल पैरेलल एंड सीरीज सर्किट में भी यूज्ड, ऐसे दिखा रखा है इसने कि कहाँ कहाँ हम सर्किट लगाएंगे और किस हिसाब से लगाएंगे, ये सीरीज सर्किट है ये पैरेलल सर्किट है, ऐसे करके हम लोग लगा सकते हैं, ये प्रोसेस है उसका। उसके बाद सफिशियंट वार्निंग, मतलब जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है सायरन होना चाहिए, मतलब जिससे क्या है वर्क साइट पे
आसपास जो लोग मूव कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि जब डिफ्यूज करना है आपने हार्डली 2 मिनट का, या नेक्स्ट पॉइंट में है हार्डली 2 मिनट से कम का ही टाइम होता है उसके अंदर उसको डिफ्यूज होने में, तो आसपास जो है लोग काम कर रहे हैं उनको वर्क साइट पे जैसे ही वो डिस्पोज होना है आपका, डिफ्यूज होना है उसको, क्या है सबसे लोगों को क्या है सायरन से या लाउड के साथ आवाज के साथ लोगों को बता दे कि ये अभी विस्फोट होने वाला है तो आसपास ना रहे, वो चीज वहां पे होनी चाहिए जरूर। उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्लास्टिंग फ्यूज शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली एंड डिफ्यूज वर्कर इग्नाइटी एबल टू मूव आउट ऑफ द डेंजर। केयरफुली करना वही सेम चीज कि जो वर्कर हैं उनको इंटीमेट कर दो, उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि वो डेंजर जोन से बाहर चले जाएं। जर्नली जो है क्योंकि जो एक जो लगा रहे हैं वो उन्हीं को डिस्पोज करना है तो उनके लिए इतना स्पेस होना चाहिए कि इजिली वो डेंजर जोन से बाहर जा सके। नाउ इट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर आर यूज फॉर द ट्रिगर एक्सप्लोजर को दबाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करने लगे विच आर मोर सेफ एंड कन्वीनियंट टू ऑपरेट, जो क्या है मतलब कन्वीनियंट है अपनी सुविधा के अनुसार उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इन केस ऑफ द मिस फायर। हेलो मैम, मेरे नाम से कोई और स्टूडेंट भी है मैम क्लास में? रोहित। हाँ जी मैम। हाँ मुझे लगा था कि रोहित पहले भी आया है, फिर उसके बाद दोबारा फिर रोहित आया है, मुझे लगा कि छोड़ दिया होगा, एक मिनट चेक कर। तुम्हारे वाले पे पिक लगी हुई है ना रोहित? मैम पिक तो लगी मैम। क्या लिखा हुआ फिर यहाँ पे था एक अभी रोहित मुझे दिख रहा है, चलो उसका मन कर रहा होगा तुम्हारे नाम से लेक्चर लगाने का, पता नहीं मैम कौन बना है। अच्छा एक मिनट, तुमने तो म्यूट कर रखा, अनम्यूट कर रखा है ना? हाँ जी मैम, मेरा माइक ऑन है मैम। चला गया मैम अब तो, मैंने तो मूव किया है, हो गया। ये जाते जाते तुम हमें गुरु दर्शना दे रहे हो ना, मुझे हैरानी होती है तुम्हारी हरकत देख देख के कि अब जाते 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 कहते ना कि गुरु दक्षिणा देते हैं, तो तुम लोगों ने जाते जाते हमें गुरु दक्षिणा दी है, वो वाला जो कांड किया था ना तुमने। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो हमें क्या है अगर मान लो मिस फायर जो हमने एक्सप्लोसिव के अंदर दबाया था अगर वो मिस फायर हो गया, सही से नहीं डिफ्यूज हुआ, तो उसको क्या है हम लोग एयर जेट से या वाटर जेट से क्या करते हैं रिमूव करते हैं जो स्टीमिंग मटेरियल ऊपर जो हमने सैंड भरी हुई है, तो ताकि जो हॉल है वो पूरा प्रॉपरली क्लियर हो जाए और जो है फ्रेश जो हम चार्ज लगाना चाह रहे हैं नेक्स्ट जो लगाना चाह रहे हैं अब, तो वो सही से उसके अंदर प्लेस हो जाए, तो उसको हमने निकाल देना है। उसके बाद ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू प्री प्लान शेड्यूल और फिक्सिंग नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल जनरल इन एडवांस टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। जो भी आप ब्लास्टिंग करने वाले हो प्री प्लान्ड होनी चाहिए, आसपास के जो नॉलेज मतलब जिस घंटे में जितने देर में आपने करना है वो चीज फिक्स होनी चाहिए, आसपास के लोगों को इस बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एडवांस में कि आप यहाँ पे ये चीज करने वाले हो, तो उससे क्या है हम लोग बच सकते हैं एक्सीडेंट से। तो ये पॉइंट है कुछ कि हमें प्रॉपरली जो भी है एक्सप्लोसिव उसको लेके आ रहे हैं कवर करके लेके आना चाहिए, गाड़ी के ऊपर डेंजर या एक्सप्लोसिव लिखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। दूसरा क्या है कि जो हम लोग क्या है जिस उसमें लेके आ रहे हैं उसमें फुल टैंक जो है या फिर इलेक्ट्रिक वायर कुछ भी ऐसा लूज नहीं होना चाहिए जिससे क्या है एक्सप्लोसिव रास्ते में आपका फट जाए, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आपका क्या है कि जब आप स्टोर कर रखा है तो वहां आसपास स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, और जो जाने जाएगा वहां पे काम करने के लिए अथोराइज पर्सन जिसको नॉलेज है वही जाना चाहिए। उसके बाद ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कर रहे हो तो सुपरविजन होनी चाहिए, एक जो पर्सन है जिसको नॉलेज है उसकी सुपरविजन के अकॉर्डिंग वहां पे सारा काम चलना चाहिए। और जो खराब आपका एक्सप्लोसिव है या जो आपका थोड़ा बहुत भी खराब है उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, उसको सेपरेटली स्टोर करके रखना चाहिए। और जब आप हॉल को क्या है फुल डेप्थ तक एक्सप्लोसिव डेटोनेशन से भर देते हो, यहाँ पे भरते हो तो इसके अंदर कोई भी मिट्टी और डर्ट वगैरह जो इनर्ट मटेरियल कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए। जब आप एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो तो उससे पहले क्या है हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो रॉक कैसी है, जिस हिसाब से हम तोड़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से टूटेगी या नहीं टूटेगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे जो हम उसको तोड़ें और लैंड स्लाइडिंग हो जाए, मतलब और भी साइड में जो है आपकी लैंड वो फिसल जाए, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कि जब आपने एक्सप्लोसिव्स के अंदर डाल दिया हॉल के अंदर तो उसको ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पहले ही फट जाए, जिस हिसाब से हम करना चाह रहे उस हिसाब से ना हो। और जब जो आप गार्डरेज वगैरह लगा रहे हो, जो ब्लास्ट जो एक्सप्लोसिव आप यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन यूज होना चाहिए, जैसा मैन्युफैक्चरर ने बताया है कि इसको कैसे अटैच करना है, किस हिसाब से डिफ्यूज करना है, ये सारा हमें पहले से पता होना चाहिए। नीचे हम लोग एक्सप्लोसिव लगाएंगे, ऊपर हम मिट्टी भरते हैं तो उसकी डेप्थ क्या है सही होनी चाहिए, और जब आप उस मिट्टी को दबा रहे हो तो वुडन टूल से दबाओ, किसी और टूल से नहीं दबाना चाहिए, और ज्यादा तो दबाना ही नीचे वो पहले बता दिया। और कैसे आप स्पेसिंग और साइज बोर होल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। उसके बाद जब आप वहां पे डिफ्यूज कर रहे हो उसको जलाने वाले हो तो सायरन बजाना चाहिए, आपको हॉर्न देना चाहिए कि अभी डिफ्यूज होने वाला है, ताकि जो वहां पे काम कर रहे हैं वर्कर वो दूर चले जाएं। और हार्डली 2 मिनट का टाइम होता है तो इतना स्पेस होना चाहिए कि डेंजर जोन से जो वर्कर उनको उसको डिफ्यूज करने वाले हैं वहां से बाहर निकल जाएं। और आजकल जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करने के लिए, उसको जलाने के लिए। उसके बाद अगर मिस फायर हो जाता है, सही से डिफ्यूज नहीं होता, तो उसको निकालना है पहले, पूरे को रिमूव करना है आपका स्टीमिंग मटीरियल को, एयर जेट से या वाटर जेट से हम उसको निकाल सकते हैं। तब प्रॉपरली हॉल को क्लीन करना है, फिर नेक्स्ट जो है दूसरा एक्सप्लोसिव उसके अंदर डालना है। और जो हम ब्लास्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होना चाहिए, नंबर ऑफ हार्ट फिक्स होने चाहिए कि कब आप करने वाले हो, ताकि जो आसपास के अवेलेबल है जो आसपास पब्लिक है उनको क्या है एक्सीडेंट से हम प्रिवेंट कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम हॉट बिटुमिन प्लांट में वर्क कर रहे हैं तब हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम रोड जब बनाते हैं तो बिटुमिन को गर्म करते हैं, और बिटुमिन हम लोग क्या है साइड पे भी मिक्स करते हैं कई बार, और क्या है प्लांट से वैसे तो मेनली ये होता है कि प्लांट से मिक्स करके लाते हैं हम लोग, तो उस टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिस वर्कर हैव डील विद द हॉट बिटुमिन वर्क हु आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पेमेंट। फ्लेक्सिबल टाइप पेमेंट में हम लोग बिटुमिन यूज करते हैं। हॉट मिक्स प्लांट नाउ इफिशियंटली वर्किंग इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मीट द डिमांड ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ द हॉट बिटुमिन मिक्स। जो वर्कर हम लोग इस प्लांट में इफिशियंटली वर्क कर सके कंट्री में हर जगह पे इसके ऊपर काम हो, क्योंकि डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, रोड तो कंस्ट्रक्ट होते ही रहते हैं, तो हम लोग वहां से जो मिक्स तैयार करके लाते हैं। दिस प्लांट यूज फॉर प्रीपेयर प्रीमिक्स, पहले से जो मिक्स है उसको तैयार करने के लिए, कंक्रीट के मिक्सचर के लिए यूज करते हैं, या फिर जो पहले से बना हुआ रोड है उसके ऊपर कारपेट बिछाने के लिए अलग से, या सील कोट बिछाने के लिए, ये तुमने हाईवे में पड़े होंगे अलग अलग टाइप के कोट होते हैं, तो हम लोग उसके अंदर एग्रीगेट डिजायर रेशियो मिक्स करने के लिए, तो हम लोग जो मिक्सिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब हम लोग हॉट मिक्स प्लांट में काम कर रहे हैं तो तब कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और जब हम उसको हम वर्कर जो पब्लिक में ले आए हैं रोड पे ले आए हैं तो तब हमें किन बातों का ध्यान, जब उसमें प्लांट में काम कर रहे हैं तब कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और जब साइट पे काम कर रहे हैं तब कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है जो भाई पहला ही तो यही हो जाएगा, इक्विपमेंट यूज कर रहे हो
जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो फाल्टी नहीं होना चाहिए, और जिस स्टैंडर्ड का हमें चाहिए है उसी स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट यूज करना है। सब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड जो है कोई भी पार्ट उसके अंदर यूज नहीं होना चाहिए। ब्रेक इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट की बात हो रही है तो ब्रेक जो है इफिशियंटली यूज आपका वर्क करना चाहिए, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यही हमने पहले जब एक्सकेवेशन में मशीनें यूज कर रहे थे उसमें भी आए थे ये पॉइंट कि बेल्ट चेन शाफ्ट जो भी मूव कर रहे हैं वो प्रॉपरली इनक्लोज होने चाहिए। ये सारे जैसे बेल्ट है, बेल्ट में कई बार शर्ट फंस जाती है, किसी की हाथ आ गया, चेन चल रही है तो उसके अंदर, तो वो कवर, ये वाले पार्ट क्या है, कवर होने चाहिए ताकि कोई उसके अंदर ऐसे वाली चीज ना जाए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो। उसके बाद मशीन पे जो काम कर रहा है, नॉर्मल बात है स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन को ही काम करवाना है वहां पे, कोई भी ऐसे वाला जिसको नॉलेज नहीं है वहां पे काम नहीं करना चाहिए ताकि जो मशीन है वो सही से रनिंग कंडीशन में रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फूल लीकेज, वही की तेल निकलेगा तो उससे आग पकड़ सकता है, तो इसीलिए फ्यूल लीकेज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली चेक करना चाहिए हमें। उसके बाद बिटुमिन स्टोरेज टैंक नेवर कम्प्लीटली फिल्ड, ऊपर तक पूरा नहीं भरना चाहिए, जितना उसका लेवल है ऊपर थोड़ा गैप होना चाहिए। अलाउ द स्टेन मिनिमम लेवल, चांस ऑफ द ब्रस्टिंग फ्यूल ट्यूब इंक्रीज, एकदम से जैसे पूरा उबालते हैं हम लोग वो ऊपर की साइड आ सकता है तो ब्रस्टिंग फ्यूल ट्यूब इंक्रीज हो सकता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटुमिन का जो स्टोरेज टैंक है वो ऊपर तक कभी नहीं भरना चाहिए। उसके बाद ड्रायर यूनिट है जिसमें हम लोग उसको ड्राई करते हैं, लीक फ्रॉम प्रूफ होना चाहिए और जिस हाई ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको जब हम चलाते हैं तो लीक प्रूफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो लीक कर रहा है, ठीक है। एनी निजिबल दिस पार्ट में भी कॉज एक्सीडेंट, अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ओवरसाइज स्टोन ज्यादा यूज नहीं होने चाहिए, जितने साइज के हमें एग्रीगेट बोला है या स्टोन बोला है उसी साइज के हमें, ज्यादा बड़े साइज, कई बार ऐसा होता है मिक्सचर को जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में ओवर साइज स्टोन यूज, तो वो यूज नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या है, बिटुमिन स्टोरेज प्रॉपरली सील्ड एंड ओपन एट द टाइम ऑफ फिलिंग, प्रॉपरली सील करके लेके आना है हमने उसको, और जब हमारा क्या है टाइम होगा फिलिंग का, जब हमने बिछाना है उसको रोड पे तभी उसको ओपन करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जब हम क्या है पब्लिक में काम कर रहे हैं या वर्कर काम कर रहे हैं तो तब कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। टार बॉयलर वर्किंग एट द साइट शुड बी एक्यूपाइड विद टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जब आप साइट पे लाए हो तो टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट उसके ऊपर लगी होनी चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि बिटवीन हमारा कितना गर्म है, तो ऑप्टिमम जितना हमें चाहिए है। ओवर हीटेड बिटवीन लाइकली कैच फायर एंड बाइंडिंग प्रॉपरली इज ऑल्सो रिड्यूस, ज्यादा गर्म जो बिटुमिन होगा वो आग पकड़ सकता है और उससे बाइंडिंग प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप ला रहे हो तो साथ में टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस लगी होनी चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारा बिटुमिन कितना गर्म है और हमें कितना चाहिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बिटुमिन स्टोरेज और हीटिंग टैंक टार बॉयलर शुड बी कंटिन्यूसली स्टीयर, मतलब उसको हिलाते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा होगा कि अगर एक जगह उसको सेट कर दिया तो ऊपर वाला ठंडा हो सकता है नीचे वाला ज्यादा गर्म रह सकता है, तो साथ ही साथ उसको स्टीयर करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ओनली ट्रेन, ये तो रहेगा ही कि ओनली जो ट्रेंड है एक्सपीरियंस है या फिजिकली फिट जो पर्सन है उन्हीं को ही वहां पे काम करने के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद स्पेयर वर्कर, जो अलग से हमें वर्कर पहले से ही अवेलेबल होने चाहिए कि अगर लेबर जो है थक जाती है तो रेगुलर इंटरवल के बाद उसका मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, ओवर स्ट्रेस हो जाता है वर्क की वजह से, तो उनकी जगह पे दूसरे हम ला सकें, क्योंकि अगर हम गर्म बिटुमिन को वहां पे ले आए हैं साइट पे और अभी जो वहां पे काम कर रहे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब, मतलब वो हो गए मेंटली थके हुए हैं, वर्क नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हम उसको ऐसे नहीं कि वापस ले जाएंगे क्योंकि वो फिर ठंडा हो जाएगा, तो इस वजह से हमें हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए कि कुछ दिक्कत होती है तो दूसरा वर्कर वहां पे काम कर ले। ऑल द वर्कर एंगेज्ड स्टाफ शुड बी वेल एक्यूपाइड, मतलब जब काम कर रहे हैं तो
उनको क्या है जो प्रोटेक्टिव वीयरिंग होनी चाहिए, जैसे हेड गियर वगैरह हो गया, बूट हो गया, ग्लव्स हो गए, गॉगल्स हो गए, ये सारी चीजें उनको पहननी चाहिए, क्योंकि गर्म है, कहीं सर पे लग सकता है, हाथ पे भी लग सकता है, पैर पे भी लग सकता है, आंखों में भी जा सकता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, उस ये वाले जो स्पेशली डिजाइन जो यूनिफॉर्म होती है जिसको टार बिछाने के लिए हम यूज करते हैं, उसको टारिंग आउटफिट बोलते हैं, तो वो हमें पहन के रखना चाहिए, तभी हमें काम करना चाहिए। उसके बाद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अब वहां पे हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है और बिटुमिन भी गर्म है तो आग भी पकड़ सकता है, तो फायर एक्सटेंशन भी हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। सैंड बकेट वगैरह जो भी हम पानी को, ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम लोग क्या करें उसको यूज कर पाए, तो वो चीज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद बिटुमिन स्प्रिंग शुड बी परफॉर्म केयरफुली हाई विंड ब्लोइंग, जब ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उस टाइम हम जब बिटुमिन बिछा रहे हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए, ऐसा होता है ना कि ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उसके साथ उड़ के वो जा सकता है या फिर आपके ऊपर भी आ सकता है, और अवॉइड ही करना चाहिए काम को जब स्टॉर्मी वेदर हो, जैसे हवा तेज चल रही है, तूफान चल रहा है, तो उस टाइम इसको नहीं बिछाना चाहिए। उसके बाद जहां पे काम कर रहे हो वहां पे बोर्ड लगा होना चाहिए, ड्राइव स्लो मैन एट द वर्क, ये लगा होता है जब भी रोड पे काम होता है, तो ये जरूर लगा होना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है उसको क्या है डाइवर्ट भी कर सकते हो, डाइवर्ट ही किया जाता है कि आधे में काम हो रहा है तो आधे रोड पे उस पे वे व्हीकल मूव करते हैं, तो ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी लाइट, यूजली रेड लाइट शुड बी डिस्प्ले एट द बोथ ऑफ द एंड एट द वर्क साइट, रेड लाइट होनी चाहिए आप, मतलब या फिर कोई रेड फ्लैग भी लगा सकते हो, किसी के हाथ में वो मूव करता रहता है पर ये वर्कर जो है वो तंग हो जाएगा, तो उसको ऐसे लगाना चाहिए कि ताकि ट्रैफिक भी रेगुलेट होता रहे, स्टॉप भी ना हो और हमारा काम भी चलता रहे। उसके बाद लास्ट जो है फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर दिक्कत हो जाती है तो, क्योंकि रोड वगैरह है कई बार ऐसी जगह पे बन रहे होते हैं आसपास अवेलेबल नहीं होता, कोई सिटी वगैरह नहीं होती या कोई गांव नहीं होता आसपास, तो जब तक मरीज को वहां लेके जाएंगे तो फर्स्ट एड तो हमारे पास होनी चाहिए, तो वो चीज भी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, और मतलब जिसको नॉलेज हो फर्स्ट एड की ऐसे वाला सुपरवाइजर भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी की वो भी नहीं कर सकता ना कि इलाज करने बैठ जाए, तो जिसको नॉलेज है सुपरवाइजर, जिसको पता है कि कैसे अगर इस एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हमें होना चाहिए। हाउएवर द सायरन एंड हूटर मस्ट बी अवेलेबल साउंडेड प्रॉपर इन केस ऑफ द इमरजेंसी, हॉर्न वगैरह सायरन वगैरह लगा होना चाहिए जहां पे भी आप काम कर रहे हो, ताकि अगर एक जगह पे दिक्कत होती है तो हॉर्न बजा दे या सायरन बजा दे, जिससे पता लग जाए कि उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर काम रुक जाएगा उसकी वजह से, अगर नहीं तो क्या होता है कि शोर तो बहुत ज्यादा होता है, पता भी नहीं लगता कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है बस फिर, हाँ जी समाज के लिए, हाँ नहीं करा रही मैं बहुत, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप, ठीक है बच्चे।